को सबसे बड़ी ताकत दुनिया की सबसे। तो गाइस यार आज किस वीडियो के अंदर हम जा रहे हैं भाइयों केगड़ी। केगड़ी भाइयों यार इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं केगड़ी की पवन धरा पर, जो कि हमारे गांव सरवाड़ से 17 किलोमीटर दूर ही है भाइयों। अभी केगड़ी जिला भी बन चुका है और अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो इसलिए दौरे पे आ रहे हैं बाबा। तो हम भी जा रहे हैं भाइयों यार देखने के लिए और उनका भाषण सुनने के लिए। तो भाषण भी सुनेंगे और आपको भी दिखाएंगे बाबा योगी आदित्यनाथ को। और चलते हैं केगड़ी। केगड़ी यार भाइयों हमारे विधानसभा क्षेत्र केगड़ी लगता है और केगड़ी के अंदर बीजेपी के अंदर खड़ा हो रहा है हमारे शत्रुघ्न गौतम जी, और विपक्ष में तो होंगे और हमारे को पता नहीं। हम तो कट्टर बीजेपी और कट्टर सनातनी आदमी है भाइयों। तो इसलिए आज की वीडियो के अंदर हम चल रहे हैं केगड़ी, जल्दी से चलते हैं भाइयों और योगी आदित्यनाथ जी को दिखाएंगे आपको, जिन्हें भाइयों यार हम बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो चलते हैं भाई जल्दी से। तो भाई यार आपको पता ही है बाबा योगी आदित्यनाथ कितनी बड़ी हस्ती है, तो बहुत ही भीड़ रहने वाली है लाखों लाखों की, तो आपको वो भी दिखाऊंगा। तो भाई यार वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलते हैं भाइयों। हाँ तो गाइस यार रवाना हो चुके हम। रवि भाई है, दिलकुश भाई है, दिनेश भाई है, रिक्की भाई है, रवि भाई के घर पे चलते हैं और वहीं से गाड़ी आएगी हमारे लिए, तो गाड़ी में बैठ के चलेंगे भाइयों। तो गाइस यार रास्ते में मिले हमारे को उमेश भाई, जो कि बहुत ही अच्छे वीडियो बनाते हैं अपना सरवाड़ से नाम से इसका अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे भी जाके फॉलो करो भाई को, अपना सरवाड़ नाम से इसकी आईडी है भाई, फॉलो कर लेना जल्दी से भाई के। ठीक है भाई, हाँ ये भी आ रहा है भाई केकड़ी जाने के लिए। तो हम तो चलते हैं आगे, हमारे भाई चल चुके हैं। तो गाइस यार हम उतर चुके हैं वैन से और अब चलते हैं मेन पटेल मैदान के अंदर, वहीं पे आने वाले हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। तो गाइस यार आप भीड़ देख सकते हो, बहुत सारे आने वाले हैं, वहीं पे चलते हैं, पटेल मैदान के अंदर ही आने वाले हैं। तो गाइस यार थोड़ी दूर के अंदर पटेल मैदान आने वाला है, जो कि केकड़ी नगर पालिका जस्ट सामने ही है। भीड़ यहीं से स्टार्ट हो चुकी है बहुत ही। तो गाइस यार आ चुके हम, ये इधर नगर पालिका है और इधर ये पटेल मैदान, पटेल मैदान के अंदर चलते हैं। तो गाइस यार देख सकते हो आप बहुत ही अच्छा पंडाल सजा रखा है और अभी आए नहीं है, आते मैं दिखाऊंगा आपको, अभी भाषण चल रहा है दूर। तो भाई लोग यार हम आगे बैठने के लिए कुर्सी ले जा रहे हैं, क्योंकि भाई यार हम मुझे तो मैं तो बहुत ही बड़ा फैन हूँ योगी जी का, तो आगे आगे बैठेंगे हम। जी आ चुके हैं, कुछ ही देर में मंच पे आने वाले हैं। वहाँ यहाँ लाखों लाख की भीड़ हो रही है, देख सकते हो आप वहाँ से गाड़ी आ रही है। योगी योगी वहाँ से आने वाले हैं। योगी 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 योगी
योगी योगी हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देख सकते हैं आप आगे हैं बाबा योगी आदित्यनाथ जी। तो भाषण आग्रह करूंगा माननीय योगी जी को दुपट्टा पहना करके कार को स्मृति चिन्ह के रूप में सभी मंडल अध्यक्ष मैं आग्रह करूंगा हमारे यहाँ के पूर्व प्रसाद प्रत्याशी राजेंद्र जी विधायक अनिल जी मित्तल मिश्रे जी गौतम उपेन्द्र जी सत्तावर रिंकू कंवर जी सभी पधारे और जो बड़ी माला है सभी वरिष्ठ से आग्रह बड़ी माला पहना करके योगी जी का स्वागत करें अभिनंदन करें। मैं आग्रह करूंगा सभी वरिष्ठ पधारे सभी जनप्रतिनिधि पधारे रोबिन पना उपेन्द्र सिंह जी सत्तावर राजेंद्र जी विधायक रिंकू कंवर जी गोपाल जी धोबी सत्यनारायण जी चौधरी रायचंद जी बागड़ी सभी पधारे गोविंद जी जैन प्यारेलाल जी खदी अगामीलाल जी चौधरी मदनगापाल जी चौधरी पधारे और योगी जी को माला पहना करके उनका अभिनंदन करें उनका स्वागत करें। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से वहां आए और इसके एग्री की जनता को भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। भाइयों बहनों सैकड़ों वर्षों से भारत का मार्गदर्शक रही है। भक्ति और शक्ति किया अद्भुत संगम इस धरा पर हम सबको देखने को मिलता है। देश को चुनौती से उभारने का और अगर कहीं से चुनौती मिल रही है तो उसका मुकाबला करने का जज्बा तो इस धरती में रहा है। और भाइयों बहनों उन्हीं स्थितियों में आज जब भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर करके पूरी दुनिया के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है उन स्थितियों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को सबसे बड़ी ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के इस अभियान में राजस्थान पीछे न रह जाए इसके लिए आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। भैया बहनों एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जिस भारत में 142 करोड़ लोगों का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। एक ऐसा भारत जिस भारत में जाति मत मजहब क्षेत्र और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। एक ऐसा भारत जिसमें आस्था को भी सम्मान दिया जा रहा है और आपके भविष्य की कार्य योजना को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के लिए भी कार्य हो रहा है। और उस नए भारत के लिए राजस्थान जैसे राज्य की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप सबका आह्वान करने के लिए भाइयों बहनों आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं।
प्रदेश में माफिया के लिए ही हम बुलडोजर लेके आए थे। आप देखते होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है। ये टूटी टूटी सड़कें हो, यहाँ पे निवेश का माहौल बनाने का कार्यक्रम हो, या किसी भी प्रकार के अन्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आपने मोदी जी के नेतृत्व में देखा है। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने। विधानसभा क्षेत्र के आज के इस मंच और सभी नेता जी को, कार्यकर्ताओं को, सबको, आम जनता को, सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं बार बार आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपका भी आजीवन तो भाई लोग यार स्वागत के लिए बुलडोजर खड़े हैं यहाँ पे, जैसे भी जो कि बहुत सारी है, देख सकते हो आप, और बहुत ही लाखों लाख की भीड़ हुई। तो गाइस यार आप देख ही सकते हैं कितने चक्के जाम हो चुके हैं दोनों साइड।